रखने वाला है। ओमेगा आगे बढ़ चुके हैं, सेंटर सर्किल कंट्रोल लेने के लिए वो गए थे एंड ये 2-2 का स्प्लिट एक्चुअली उनके नाम काम करेगा क्योंकि जो प्लेयर्स नीचे की तरफ थे अक्षत के साथ साथ हेक्टर थे वो फिलहाल के लिए जोन के अंदर हैं एंड अभी ओमेगा एंड गॉबलिन को एक एरिया मिल जाएगा कि वो थोड़ा और आगे आ पाए, अभी एकत्रित हो जाएंगे। जिस पे फंस चुके लेकिन टीम सोल उन्होंने चार्जिंग कर लिया, देखिए वो सेंटर सर्कल कंट्रोल चाहते हैं। ऋषि डैमेज डील किया गया जरूर लेकिन यहाँ पर गॉबलिन ने निकाल लिया है पहला नॉकआउट। जुमाकी कवर फायर देने की कोशिश भरपूर लेकिन ना के बराबर डैमेज यहां डील किया गया है। टीम सोल अच्छी पोजीशनिंग है, मार्कोस गेमिंग के 3 खिलाड़ी आने वाले हैं आगे बट सेफ का ये ग्रेनेड देखिए गॉबलिन को कर दिए हैं वो नॉकआउट। स्प्रे गॉड इसी बीच में जीगॉड को डाउन करते हुए नजर आएंगे। मार्कोस गेमिंग वो भारी पड़ रहे गॉड लाइक स्क्वाड के ऊपर लेकिन इन सब के बीच में टीम सोल अभी भी डटी हुई है, वो चाहते हैं कि एवरेस्ट का कंट्रोल उनके हाथ में ही रहे लेकिन दूसरी ओर से एक्वानॉक्स भी एंट्री मारने के लिए कर रहे हैं इंतजार। टीम सोल गॉब्लिन को इनफैक्ट रिवाइवल मिल जरूर जाएगा। उज़ुमाकी अभी भी सर्वाइव करते हुए पीछे सैफ और सर्वित दोनों खिलाड़ी मौजूद, गॉब्लिन फर्स्ट एड भी लगा लेंगे। नीचे की साइड पर आप देख सकते हैं गॉडलाइक भी नजर आएगी, उनको भी ऊपर चढ़ाई करनी है। रेवेनेंट पीछे के एरिया पर उनको भी मूवमेंट करनी है। दिस इज द सर्कल, दिस इज वेयर द स्टोरी लाइन्स विल बी रिटन। वो बीच में एक एयर ड्रॉप पड़ा हुआ भी आपको दिख जाएगा बिग ब्रदर खिलाड़ी सैफ उस एयर ड्रॉप को कवर कर सकते हैं बट गॉड्स रेन के खिलाड़ियों को पकड़ने की कोशिश। गॉब्लिन पे 3 फिनिशेस, टीम के है तीनों के तीनों फिनिश इस खिलाड़ी के पास आते हैं लेकिन क्या ये खिलाड़ी और बेहतरीन और ज्यादा फिनिशेस दे पाएगा। बहुत ज्यादा कोशिश है प्लेस, इसी बीच में प्ले जोन से खत्म हो जाते हैं टीम सोल 4 फिनिश पॉइंट्स के साथ अभी भी डटे हुए हैं। बिग ब्रदर्स के उज़ुमा की पोजीशन उनकी अच्छी है नहीं, उनको कवर की तलाश करनी पड़ेगी। एक बेहतर पोजीशन पे अपने आप को रीपोजीशन करते हुए नजर आएंगे, स्प्रे लिया जाएगा इंस्टेंटली कवर में वापस आ जाएंगे। एमिनेशन कम है, यही सबसे बड़ा चैलेंज है बिग ब्रदर के खिलाड़ियों के लिए। पीछे गए तो रेवेनेंट, आगे गए तो सोल, नीचे गए तो गॉडलाइक, फंस चुके हैं ये खिलाड़ी बट इमॉर्टल उनको मूव करना पड़ेगा और उन्हें के ऊपर क्रॉसर इंपैक्ट रखा गया था, प्लेयर को फिनिश करने की कोशिश थी उधर। इमॉर्टल टैंकिंग द डैमेज ऑफ द सोल बट सेंसे इस बार कोई गलती नहीं करेंगे और अपनी टीम के लिए एक और बहुमूल्य फिनिश निकालेंगे बट टीम सोल को ये सर्कल धकेल रहा है उस बाकी डीबीएस राइट इन फ्रंट ऑफ द प्लेयर्स। देख सकते हैं वो चाहते हैं सारे खिलाड़ी उनके सामने आए, ये एंगल काफी गलत है। गॉब्लिन बिल्कुल सामने, यूएफपी उनके हाथ में, हेक्टर के पास एक स्कारेल, बहुत ज्यादा फोकस है, बहुत ज्यादा कमिटमेंट है और एक शियर विल लेकर के टीम सो के खिलाड़ी सामने जा रहे हैं। उस बाकी को पिक किया जाएगा, अक्षत डाउन हो चुके हैं, ओमेगा की एचपी काफी ज्यादा कम, हेक्टर की एचपी लो बट दे डोंट केयर बिकॉज दिस टीम सोल वेल दे डेफिनेटली वांट टू रूल। टीम रेवेनेंट पीछे से आने के लिए है तैयार और गॉडलाइक बेसी मौके पे चौका मारना चाहती है लेकिन क्लच गॉड ओवर कमिट करेंगे, ओवर एक्सटेंड करेंगे, नॉकआउट किया गया। एक और प्लेयर डाउन हो चुके हैं गॉडलाइक की तरफ से, सी गॉड और जॉनसन के ऊपर पूरी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी आती हुई। सोल के ओमेगा को भी डाउन किया गया बट जॉनसन विद हिज अमेजिंग नेडिंग स्किल्स मार्कोस गेमिंग को कर दिया जाएगा इस मैच से बाहर। टीम गॉडलाइक दे आर नॉट येट डन, बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स को भी यहां गॉब्लिन बाहर करते हुए नजर आएंगे। टॉप 3 टीम्स में नाम देखेंगे हम गॉडलाइक सोल का बट नॉट एनी लॉन्गर, इट इज गॉडलाइक हु गेट्स टेकन डाउन। सेफ के नाम 2 फिनिश पॉइंट्स लेकिन रेवेनेंट अभी भी मौजूद है पहाड़ी के ऊपर, वो चाहते हैं ये मैच जीतना, बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए ये मैच। सेंसे अपोलो दूसरी तरफ टीम सोल के खिलाड़ी, लुक एट द वे दिस टीम इज डेफिनेटली प्लेइंग। 12 फिनिशेस रेवेनेंट के खाते में लेकिन अगर गॉड लाइक ने एक शिकन दिया है तो सोल भी जवाब देगी, ब्लाइंड के परफॉर्मेंस पर सोल भी जवाब देगी। 8 फिनिशेस हैं, 10 कर सकते हैं। दे नो वेयर द ओपोनेंट्स आर, दे नो वेयर द प्लेयर्स, दे जस्ट हैव टू बी द प्लेमेकर्स। स्लोली एंड स्टेडली ट्राई जरूर कर रहे हैं किस तरीके से इनफैक्ट ये फाइट्स ले पाएंगे। 24 सेकेंड ये जोन धकेल रहा है, ये जोन रेवेनेंट को सोल के पास धकेल रहा है एंड टीम सोल दे विल बी रेडी टू कुक समथिंग एंड दैट वुड बी नथिंग एल्स बट अ चिकन डिनर बट विल रेवेनेंट मूव फॉरवर्ड लुक्स लाइक दे विल। टीम सोल के लिए बहुत बड़ा स्प्लिट है, 1-1-1 का स्प्लिट हमें देखने का मौका मिलेगा लेकिन रेवेनेंट के प्लेयर्स की जो पोजीशनिंग है वो अच्छे से टीम सोल को पता है। अक्षत देखिए वो बैक लाइन पे चाहे तो खेल सकते हैं, हेक्टर जरूर फंस चुके लेकिन यहां से अगर पैर फिसला हेक्टर का सीधा वो नॉकआउट हो जाएंगे लेकिन फिर से डैमेज हल्का सा डील किया गया है। खिलाड़ी के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है, सेंसी ने अक्षत के ऊपर नॉकआउट निकाल लिया, गॉब्लिन क्लोज इन में जा रहे हैं जरूर, अक्षत को खत्म कर दिया गया है। 2 vs 2 का ये फाइट रहेगा, एक स्मोक डिप्लॉय किया जाता है, एक और स्मोक डिप्लॉय किया जाएगा लेकिन गॉब्लिन
का ये क्लोज जाना क्या ये सही साबित होगा? अपोलो इंतजार में जरूर रहेंगे। डीबीएस पे स्विच कर लिया है, यूएमपी वर्सेस डीबीएस। गॉब्लिन नीचे आ जाते हैं, सेंसे ऊपर से कवर देने की कोशिश जरूर रहेगी। डैमेज डील किया गया गॉब्लिन के ऊपर भी, काफी ज्यादा लो रहेंगे सेंसे। इंस्टेंटली रिपोजिशन करेंगे, हेक्टर के कवर फायर की है सख्त जरूरत। यहां से गेम पलटा जा सकता है। रेवेनेंट वो सबसे पहले सर्किल का धक्का फेस करेंगे, उसके बाद ही टीम सोल को वो मौका मिलेगा कि वो इंतजार जो करवा रहे हेक्टर से क्या उस पे रिजल्ट्स निकल पाए। हेक्टर एंड गॉब्लिन दे आर रेडी फॉर द फाइट। गॉब्लिन के पास जो बैंडेज है उन्होंने लगा लिया, अपोलो के पास वो डीपीएस और डीपीएस ज्यादा डैमेज करेगी। गॉब्लिन इज डाउन, अपोलो विद द डीपीएस, गॉब्लिन इज डाउन, हेक्टर कमिंग अप विद द डीपीएस। लेकिन दो खिलाड़ियों के अगेंस्ट कैसे फाइट ले पाएंगे? हेक्टर डीपीएस लेकर के आगे आए जरूर है, दिक्कतें हो सकती है। अपोलो